नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में आपसे अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान, शहर को 20 जोन में बांटकर चलेंगे बुलडोजर। हल्द्वानी शहर में आज से अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू हो रहा है। नगर निगम ने गुरुवार को मुनादी कराकर अतिक्रमणकारियों को खुद के अवैध कब्जे हटाने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने अवैध कब्जे हटा लिए थे। जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया उनके अतिक्रमण आज नगर निगम के बुलडोजर से गिराए जाएंगे। मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 707 ए बन गया है जानलेवा, लोगों ने की ठीक कराने की मांग। कुछ दिन पहले मसूरी यमुना पेयजल पंपिंग योजना के तहत मसूरी से कैंपटी फॉल क्षेत्र तक सड़क को खोदकर पाइपलाइन बिछाई गई थी। पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत भी कर दी गई थी, लेकिन सड़क की मरम्मत ऐसी की गई कि ये नासूर बन चुका है। बदहाल सड़क ने इस राष्ट्रीय राजमार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों की जान को जोखिम में डाला हुआ है। लोगों ने सरकार से राजमार्ग जल्द ठीक करने की मांग की है। बाघों को शिकारियों के जाल से बचाने के लिए कॉर्बेट पार्क में बड़ी सुरक्षा, यूपी बॉर्डर पर ज्वाइंट पेट्रोलिंग। रामनगर स्थित जिम कॉर्बेट पार्क प्रशासन वन्य जीवों की सुरक्षा के दावे बढ़ चढ़कर करता रहता है, लेकिन शिकारी हर बार इनके दावों की धज्जियां उड़ा देते हैं। हाल में शिकारियों के लगाए गए फंदे में फंसकर बाघिन गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब जिम कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने फिर से कड़ी सुरक्षा और यूपी के साथ इंटर स्टेट पेट्रोलिंग का दावा किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतनी कवायद के बावजूद पार्क प्रशासन शिकारियों पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रहा। तलाक तलाक तलाक, 6 साल में हुई 3 बेटियां तो शौहर ने दिया 3 तलाक, कार की डिमांड पर मिले 2 लाख रुपए अय्याशी में उड़ाए। शहर के वनमूलपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 तलाक का मामला सामने आया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने शौहर सहित ससुरालियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पिथौरागढ़ में भूस्खलन से फंसे 40 आदि कैलाश यात्रियों का रेस्क्यू एसटीआरएफ ने सुरक्षित निकाला। 31 मई को पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर भूस्खलन हुआ था। इस कारण रास्ते में अनेक यात्री फंस गए थे। एसडीएफ ने बड़ी संख्या में यात्रियों का रेस्क्यू किया है। इन यात्रियों को धारचूला में KMVN के गेस्ट हाउस में सुरक्षित पहुंचाया गया है। अधूरी तैयारियों ने करवाई देहरादून RTO की किरकिरी, जाने शहर में अभी भी क्यों चल रहे डीजल वाले 3-व्हीलर। केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और NGT के सख्त निर्देशों के बावजूद भी देहरादून RTO शहर में डीजल संचालित पब्लिक ट्रांसपोर्ट खासतौर पर 3-व्हीलर पर प्रतिबंध अभी तक नहीं लगा पाए। इसके पीछे की असल वजह देहरादून RTO द्वारा की गई अधूरी तैयारी रही। दरअसल देहरादून RTO द्वारा शहर में डीजल संचालित 3-व्हीलर ऑटो विक्रम को प्रतिबंधित करने से पहले 3-व्हीलर ऑटो संचालकों को अपने विश्वास में नहीं लिया गया, न ही व्यावहारिक समस्याओं पर ध्यान दिया गया। 15 लाख की अफीम के साथ यूपी के 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, 1.5 किलो का माल बरामद। पुलभट्टा पुलिस ने 1.5 किलो से अधिक अफीम के साथ उत्तर प्रदेश के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी से 15 लाख कीमत की अफीम बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत करते हुए जेल भेज दिया। आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जनपद से अफीम की खेप लाकर पुलभट्टा थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति को देने आए थे। वाहनों के फर्जी इंश्योरेंस करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 1 साल से चल रहा था फरार। वाहनों का फर्जी इंश्योरेंस करने वाला फरार आरोपी पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस ने आरोपी को शिलोक कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है। तीरथ सिंह रावत ने की जनसंपर्क कैंपेन की शुरुआत, केंद्रीय योजनाओं का किया बखान। पूर्व मुख्यमंत्री व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार की सफलता के 9 साल पूरे होने पर गढ़वाल संसदीय क्षेत्र में चलने वाले महाजनसंपर्क कार्यक्रम का श्रीनगर में शुभारंभ किया। कार्यक्रम के तहत सांसद रावत ने 9 साल में देश प्रदेश में हुए विकास कार्यों का बखान किया। सांसद तीरथ रावत ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में भी मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा बनेगी, क्योंकि सरकार ने हर वर्ग को योजनाओं से जोड़ा और विभिन्न लाभ पहुंचाए हैं। विधानसभा भवन में आयोजित हुई गैरसैंण विकास परिषद की बैठक, विधानसभा में कल गैरसैंण विकास परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जल्द होने वाले विधानसभा सत्र से लेकर गैरसैंण के विकास पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। सत्यापन अभियान, उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज पर धामी सरकार अलर्ट, वेरिफिकेशन अभियान पर दिया जोर। उत्तराखंड में इन दिनों वन और सरकारी भूमि पर हुए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए जोरों शोरों से अभियान चल रहा है। इसी कार्यक्रम में इन अवैध अतिक्रमण की वजह से प्रदेश में चेंज हो रहे डेमोग्राफिक स्थिति को लेकर भी सरकार काफी गंभीर नजर आ रही है। प्रदेश में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस प्रशासन को वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन प्रदेश के खासकर पर्वतीय क्षेत्रों पर वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चला रहा है। काशीपुर में तमंचा और चाकू के साथ 3 चोर गिरफ्तार, पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचाया। काशीपुर में 3 शातिर चोर पुलिस के हाथ लगे हैं। आरोपी तमंचा और रामपुरी चाकू लेकर घूम रहे थे। पुलिस के माने तो नशे की लत को पूरा करने के लिए चोरी व छीना झपटी को अंजाम देते थे। अब पुलिस ने तीनों को कल कोठरी में पहुंचा दिया है। राज नहीं आया बेटी का प्यार तो घोट दिया गला, पिता गिरफ्तार तो भाई फरार। रुदुपुर के पुलभट्टा क्षेत्र में एक पिता ने बेटे के साथ मिलकर अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं रातों रात दफना भी दिया। हत्या का कारण बेटी का पड़ोस के वक्त से फोन पर बातचीत करना था, जो उन्हें नागवारा गुजरा। पुलिस ने आरोपी पिता को यूपी से गिरफ्तार किया है तो बेटा फरार चल रहा है।
खबर का असर। मसूरी में खबर का असर। खुले में सीवरेज डालने वालों को जल संस्थान ने थमाया नोटिस। मसूरी के लंडौर साउथ रोड पर खुले में बहरे सीवरेज और गंदगी की समस्या अब दूर होने की उम्मीद है। जल संस्थान ने सीवरेज बहाने के मामले में 8 लोगों को नोटिस थमाया है। इसके अलावा काफी समय से क्षतिग्रस्त सीवरेज चैम्बरों को ठीक करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। टनकपुर में 5 किलो चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके में जमकर नशे की तस्करी हो रही है। ताजा मामला भारत नेपाल सीमा से सटे टनकपुर क्षेत्र से सामने आया है, जहां पुलिस की टीम ने एक नेपाली तस्कर को दबोचा है, जिसके पास 5 किलो चरस बरामद हुआ है। आरोपी नेपाल से चरस तस्करी कर बेचने निकला था, लेकिन पुलिस का हत्या चढ़ गया। फिलहाल तस्कर के खिलाफ NDPS की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। पहलवानों के समर्थन में हर्षात ने मां गंगा से लगाई अर्जी। सरकार पर लगाए ब्रजभूषण को संरक्षण देने का आरोप। रेसलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान आंदोलनरत है। पहलवानों को देशभर के अलग अलग संगठन व राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। हरिद्वार में गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री हरीशाथ ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पहलवानों को न्याय दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह घाट पर माँ गंगा को अर्जी दी। रील्स का क्रेज जान पर पड़ रहा भारी। गंगा में मौत की छलांग लगा रहे युवा। हरिद्वार के अलग अलग घाटों पर आपको कई वीडियो क्रिएटर दिख जाएंगे। ये वीडियो क्रिएटर सोशल मीडिया के लिए कंटेंट बनाने के चक्कर में कई बार अपनी जान से खिलवाड़ करते दिखते हैं। गंगा में डुबकी, उसके आसपास वीडियो बनाने के चक्कर में ये कई बार हादसे का शिकार हो जाते हैं। हरिद्वार में ये घटनाएं दिनों दिन बढ़ रही है। यमकेश्वर के अमोला में DM ने लगाई रात्रि चौपाल। गांव में बनेगा ग्राम पंचायत सचिवालय। पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक के अमोला गांव में DM ने रात्रि चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में DM और स्थानीय विधायक ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। DM ने गांव में ग्रामीणों की समस्याओं के निस्तारण के लिए ग्राम पंचायत सचिवालय बनाने के निर्देश दिए हैं। हाईटेक होगा बागेश्वर जिला अस्पताल, 20 करोड़ से होगा कायाकल्प। जिला अस्पताल का CM घोषणा के तहत 20 करोड़ की लागत से कायाकल्प होने जा रहा है। जून महीने से अस्पताल को हाईटेक बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। सिटी स्कैन मशीन के साथ अस्पताल में आधुनिक उपकरण भी तैनात किए जाएंगे। जिला अस्पताल के CMSVK टमटा ने बताया कि जिला अस्पताल में मुख्यमंत्री घोषणा के तहत आधुनिकीकरण का कार्य किया जा रहा है। जिला अस्पताल में नवीनीकरण के तहत OPD का विस्तार करते हुए 3 नए कमरे बनाए जाएंगे। राज्यपाल के काफिले से पहले रोड शो पर आ गया ऑटो, गुस्साए पुलिसकर्मियों ने चालक को पीटा। उत्तराखंड के राज्यपाल सेनानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गुरुवार को नैनीताल दौरे पर रहे। इस दौरान रामनगर में कार में सवार होकर वह नैनीताल गए। रामनगर से उनकी रवानगी के दौरान मार्ग पर ट्रैफिक व्यवस्था बनाने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। मार्ग पर वाहनों का प्रवेश बंद कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि इसी बीच एक ऑटो राज्यपाल की गाड़ियों के काफिले के आने के बाद से पहले बीच मार्ग पर आ गया। इस पर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी और ऑटो चालक के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। अल्मोड़ा से ट्रेनिंग लेकर निकले 32 राजस्व उपनिरीक्षक विभिन्न जिलों में देंगे अपनी सेवाएं। उत्तराखंड में जल्दी 32 राजस्व उपनिरीक्षक अपनी सेवाएं देते नजर आएंगे। इन प्रशिक्षकों ने राजस्व पुलिस भूलेख सर्वेक्षण प्रशिक्षण संस्थान अल्मोड़ा से सैद्धांतिक प्रशिक्षण पूरी कर ली है। अब सभी अपने अपने जिलों में 3 महीने का व्यावहारिक प्रशिक्षण देंगे, फिर पूरी तरीके से अपनी सेवाएं देंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय, इन 6 ऑफिसर्स को मिली रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुख्यमंत्री सचिवालय में अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। यहां 6 अधिकारियों में मुख्यमंत्री कार्यालय का काम बांटा गया है। इन अधिकारियों में मीनाक्षी सुंदरम, विनय शंकर पांडे, राधा रतूड़ी, अभिनव कुमार, शैलेश बगोली और SN पांडे का नाम शामिल है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।